दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके सामने बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 पर। दोस्त आप सभी के समक्ष यह चीजें पता है कि यूपी लेखपाल की परीक्षा जो आपको 31 जुलाई को कराई गई थी, अगर देखा जाए तो वह पूरी तरह से फ्रॉड तरीके से परीक्षा कराई गई थी। उसी के संदर्भ में आज के लगभग 2 से 3 दिनों पहले के समक्ष एक अपडेट वायरल हो रही है। इस लेखपाल भर्ती परीक्षा में 15,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संदिग्ध के घेरे में पाए गए हैं। और आपके यहां वैकेंसी कितनी है, आप सभी को यह पता है कि आपके यहां वैकेंसी जो है 8085 पोस्ट है, ठीक है। इस 8085 पोस्ट के सापेक्ष यहां देख पा रहे हैं कि 15,000 अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से फ्रॉड है। मेरे कहने का सेंस यह समझिएगा, फ्रॉड का मतलब क्या होगा, कहीं ऐसा है कि किसी की ओएमआर सीट बदल ली गई और किसी के साथ कुछ हुआ, तो इस तरह की तमाम बातें आपके समक्ष आ रही हैं। ऐसे में आप सभी के सामने हम एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन करने जा रहे हैं। कल 2 अक्टूबर है, जैसे महात्मा गांधी जी ने तमाम तरह के आंदोलन चलाए थे, सत्याग्रह वगैरह उन्होंने चलाया था, तो हम आप सभी के उसी के उपलक्ष्य में, ठीक है, उसी के उपलक्ष में एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन करने जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को जिम्मेदार नागरिक समझते हैं और आपने भविष्य में अगर यूपी लेखपाल बनने का सपना देख रखा है और इस परीक्षा में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो बिल्कुल मैं निवेदन आपसे करूंगा कि कल के इस ट्विटर कैंपेन का एक हिस्सा आप जरूर बनिए, क्योंकि हमारी और आपकी बातें फिलहाल के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे पास एक साधन बचता है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर इंसान की बातें उठाई जा सकती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपके समक्ष हैशटैग को दिखाना चाहूंगा कि जिस हैशटैग का प्रयोग आप सभी को करना है, आप देख पा रहे हैं हैशटैग का प्रयोग किसे करना है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को करना है, और उसके बाद गवर्नमेंट सरकार को, सीएम योगी ऑफिस, डीजीपी और यूपी पुलिस, इन सभी हैशटैग का प्रयोग आपके समक्ष करना है। स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया मैं आपसे निवेदन यह करूंगा कि अगर आप अपने आप को, ठीक है, इसमें और भी को करना है, देख पा रहे हैं कि हैशटैग करके आपके समक्ष अरेस्ट जो है 15,000 स्कैमर इन यूपी लेखपाल। हमने जैसा कि आप सभी के समक्ष लिखा भी है कि 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध के घेरे में हैं, तो अगर अपने आप को एक थोड़ा सा आप जिम्मेदार समझते हैं तो आप इस हैशटैग का प्रयोग करके कल के इस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मैं फिर एक निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर के सापेक्ष अगर यह वीडियो हर जगह वायरल होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्वीट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दो ट्वीट कर दीजिए बस हो गया हमारा काम, ठीक है, यह आपका काम नहीं है। हम ट्वीट तब तक करेंगे जब तक हमारा ट्वीट जो है वो ट्रेंडिंग में ना आ जाए, वही हमारा ट्वीट कहलाता, और हम एक ठो करके वहीं जाए सो जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं फिर से निवेदन आपसे करूंगा, मैं बार बार निवेदन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप एक अपने आप को जिम्मेदार नागरिक समझते हैं, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 2,12,000 के समथिंग बच्चों ने इस लेखपाल परीक्षा दिया था। अगर 1,00,000 जो है अभ्यर्थियों ने ट्वीट कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारा ट्वीट जो है वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा, और इस ट्वीट पर जो है अगर देखा जाए तो जो भी अधिकारी होंगे, अगर जिनके पास आप कर रहे हैं, मैंने आपके समक्ष दिखाया भी, तो कुछ ना कुछ बातें जो है जरूर निकल कर आएंगे, ठीक है। खैर देखिए, यहां लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं, यह चीजें आपके समक्ष हो गई, लिखा जा रहा है कि यूपी SSSC के चेयरमैन का खतरनाक बयान। एक चीज आप सभी को पता है, अगर देखा जाए इस लेखपाल भर्ती परीक्षा में इतने बड़े स्तर से फ्रॉड हुआ है, अभी आप देख पा रहे हैं चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज का मामला है, वहां पर अब महोदय उनको हम क्या कहें, जैसे एक तो होता नहीं है कि कुछ लोग होते हैं कि पूरी चीटें लेके चले जाते, अब उन्हें कैसे मिला, ठीक है। अब अच्छा है, एक चीज, अभी अगर कोई कैंडिडेट पकड़ा जा रहा है, कोई लड़का पकड़ा जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे मुन्ना भाई, ठीक है। अब उनसे सोचिए, जो महोदय रितु सिंह है उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम मुन्नी भाई कहेंगे, ठीक है। वो पकड़े गए, वो पूरी तरह से जो है पूरे आंसर कियों को लेकर पहुंच गए, ठीक है। उनके आपके समक्ष फोटो आया होगा, उनकी जो है पूरी आपके समक्ष एडमिट कार्ड के साथ पूरा चिट वैसे ऊपर रखकर जो है आपके समक्ष प्रोवाइड किया गया। कैसे लेके गई, क्या गेट पर चेक इन नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं चेतना गर्ल्स पूरा इंटर कॉलेज अगर देखा जाए इस पूरे लेखपाल भर्ती परीक्षा में संलिप्त है, ठीक है।
अभी भी कुछ लोग फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी फिलहाल के लिए एसटीएफ टीम जो है लगातार धर पकड़ कर रही है। मैं एसटीएफ टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों के खिलाफ जो है यूपी ट्रिपल एससी के पास नोटिस भेजी है। अब ऐसे में एक सवाल और उठता है, अगर देखा जाए तो इस पर तमाम सवाल उठते हैं लेकिन एक वीडियो में हर चीज पर चर्चा करना नामुमकिन है। सवाल क्या उठता है कि जो 15,000 ये अभ्यर्थी ब्लैकलिस्टेड करने की बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, अब पहले तो अगर ये रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो 15,000 है ये तो पकड़ नहीं पाएंगे। विदाउट रिजल्ट घोषित किए इनके बस के कोई बातें नहीं, कैसे भाई जब हमारी ओएमआर चेके नहीं होगी तो हम किस प्रकार से इन्हें अरेस्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि जिनका नंबर थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, जिनका नंबर इस लेखपाल में ज्यादा होगा जो अपने आप को टॉप महसूस करेगा कि हम टॉप कर गए हैं, ठीक है। अब चाहे वह आप पढ़ने वाले एक अभ्यर्थी हैं, चाहे आप जो है फ्रॉड करने वाले हैं, ठीक है, तो आप पढ़ने वाले हैं तब भी आपको पूछताछ केंद्र में ले जाया जाएगा और अगर आपने फ्रॉड किया है तो जाहिर सी बात है उसके दायरे में तो आते ही हैं। लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग अपना लगाया होगा वह दिमाग लगाने के बाद क्या क्या होगा कि भैया हमको आप पास मार्किंग दे दीजिए, ठीक है, हमसे पैसा आप ले लीजिए, हमें पास मार्किंग दे दीजिए ताकि हमें कहीं चक्कर ना लगाना रहे, तो यह दिमाग लगाया होगा तो फिलहाल के लिए वो तो पास ही हो जाएंगे। बहरहाल हमारा जो कर्तव्य है हम निवेदन करेंगे कि आप जो है ट्विटर कैंपेन का हिस्सा जरूर बनिएगा, ठीक है। इनकी जहां तक बात है यूपी ट्रिपल एससी, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस लेखपाल भर्ती परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं हुई है। भैया यह अगर देखा जाए तो हर एक अभ्यर्थी के साथ खिलवाड़ है अगर कोई आयोग इस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है। यहां लिखा जा रहा है सीएम योगी के पास पहुंचा लेखपाल भर्ती मामला, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है कि इस लेखपाल भर्ती परीक्षा में एक बड़े स्तर से फ्रॉड हुआ है। क्या आयोग इस भर्ती परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी जो है क्या इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर सकती है? बिल्कुल रद्द कर सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें थोड़ा सा इनके बस की बात तो कम है, लेकिन अगर प्रशासन चाह ले तो एक मिनट में यह परीक्षा रद्द हो सकती है। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि एक परीक्षा कराने में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। अब प्रशासन चाहेगा कि नहीं चाहेगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है जो धर्म है आप सभी के समक्ष हम अवगत कर रहे हैं। बिल्कुल मैं निवेदन करूंगा कि आप ट्विटर का हिस्सा जरूर बनिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां इनके पास तो मामला पहुंचा है, अब इनके द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है अब वह आगे समय बताएगा। लिखा जा रहा है री एग्जाम के पक्ष में सभी अभ्यर्थी, जितने अभ्यर्थियों ने इस लेखपाल भर्ती परीक्षा को दिया है, ठीक है, आप कहेंगे री एग्जाम की मांग वही अभ्यर्थी कर रहे हैं जो इस लेखपाल भर्ती परीक्षा में अपने आप को फेल महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट अगर देखा जाए तो अधिकतर अभ्यर्थी भाई इसके तहत आएंगे क्योंकि जो फेल है उनकी भी इच्छाएं होंगी कि हो सकता है री एग्जाम हो जाए तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन हर अभ्यर्थी ऐसा नहीं है, कुछ इसमें ऐसे हैं जो फ्रॉड कर, अब भैया बताइए 8,085 पोस्ट है, 15,000 अभ्यर्थी जो पहले से संदिग्ध हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरी सीट तो वैसे चली गई है, यहां पढ़ने वालों का कोई मतलब नहीं है। आप 15 लाख रखिए, नौकरी जाके ले लीजिए, यही काम रह गया है बस। इतनी भ्रष्ट जो है यह आयोग आज तक का रिकॉर्ड रहा है। कोई भी अभी आप वीडियो का एग्जाम देख लीजिए जो है पूरी तरह से वो भी फ्रॉड चला गया। अब ये महोदय जा रहे हैं वीडियो की 3,000 वैकेंसी देने। मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि ये वीडियो की वैकेंसी आप सभी को देकर इधर गुमराह कर देंगे और ये जो लेखपाल वाला मामला है यहां पूरा फिनिश हो जाएगा, यूपीएसआई की तरह भर्ती गुम ना हो जाए। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा 9,534 का मामला आप सभी ने देखा होगा कि आज भी वह मामला कोर्ट में पड़ा है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप एक ट्विटर कैंपेन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो मेरे दोस्त आप अपने आप को यह मानकर चलिएगा कि यार अब हम क्या बताएं। फिलहाल के लिए आप अगर थोड़ा सा अपने जिम्मेदारी को समझते हैं तो बिल्कुल आप कल ट्विटर कैंपेन का हिस्सा जरूर बनिएगा। बहरहाल बार बार उस चीज की उस बात पर थोड़ा सा हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे हम बात करते हैं री एग्जाम के पक्ष में। देखिए जहां तक री एग्जाम का सवाल है लगातार तो आप कॉमेंट बॉक्स में री एग्जाम की बात करते हैं, कमेंट बॉक्स में आएंगे री एग्जाम लिखकर चले जाएंगे, ऐसे री एग्जाम नहीं होगा। हमारे चैनल पर आइए, किसी भी चैनल पर आप जाइए री एग्जाम लिख दीजिए तो इस तरह री एग्जाम लिखने से री एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अगर आप उस कर्म से अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो शायद री एग्जाम आपका नहीं हो सकता। हमने री एग्जाम के बारे में आप सभी को बताया था कि किस प्रकार से आपका री एग्जाम हो सकता है, बहरहाल उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखिए, ठीक है। आगे लिखा जा रहा है
अक्टूबर, ये बातें तो हम आपसे आपके समक्ष कर चुके हैं। अच्छा, एक लगातार आप पूछ रहे थे कि भैया आप सिलेक्शन वाले कट ऑफ क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमने लिखा है, डीवी वाले कट ऑफ भी आपके समक्ष लिखा है। ये सारी कट ऑफ अब आपके समक्ष फ्लॉप मार जाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर इतने बड़े स्तर से किसी भर्ती में फ्रॉड हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये सब कट ऑफ कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब कट ऑफ कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम एक सर्वे आपके समक्ष कर रहे हैं, जैसे ही वह सर्वे हमारा कंप्लीट होता है तत्काल एक नई सिलेक्शन वाले कट ऑफ और डीवी वाले कट ऑफ पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि यह कट ऑफ मैंने पहले आपको बताया था जब यह 15,000 वाली बात नहीं हुई थी, अगर 15,000 वाली बात अब हो चुकी है तो यह जो हमारी कट ऑफ है 73-75 ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, ठीक है। किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर इतने बड़े स्तर से धांधली हो रही है तो जो उसका फाइनल सिलेक्शन है और जो डीवी वाली कट ऑफ होती है ये सारी चीजें बहुत ऊपर तक चली जाती हैं, ठीक है। इस वजह से ये कट ऑफ अब आप मत मानकर चलिएगा, ठीक है। अब कैसे क्या होगा आगे, हम जब हमने आपसे कहा कि सर्वे किया जा रहा है, वह सर्वे जब भी जैसे ही पूरा होता है तत्काल आपके समक्ष एक नया वीडियो यूपी लेखपाल पर प्रोवाइड किया जाएगा कि भैया यह आपकी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। फिलहाल के लिए कट ऑफ ऐसे नहीं दी जाती है, आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखा जाता है, परीक्षा तो आपने दे ही दिया है फिलहाल के लिए, लेकिन जब सर्वे हमारा कंप्लीट होगा तब उस पर हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा करना थोड़ा सा नाजायज होगा, ठीक है। चलिए, यहां आप लगातार कमेंट कर रहे थे रिजल्ट के बारे में। देखिए, रिजल्ट का जहां तक सवाल है और री एग्जाम का, अगर मामला देखिए एक चीज फिर मैं कहूंगा कि आपके इस लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए कोई भी जो है ग्रुप नहीं है, ठीक है। इस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि हमने ग्रुप नहीं बनाया भैया, ठीक है, ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है। बट मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि जहां भी आपने अगर इस भर्ती परीक्षा में आप एक नहीं होंगे, ठीक है, एक अपने आप को एका महसूस नहीं करेंगे तो इसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो एकजुटता आप सभी को दिखानी होगी, आपको दिखाना होगा कि हम सभी एक हैं। अगर हमारे साथ खिलवाड़ होगा तो हम आने वाले समय में आपके साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। खैर, रिजल्ट की हम चर्चा करेंगे। रिजल्ट हमने आप सभी के समक्ष बताया है कि दिवाली के बाद रिजल्ट आपका आ सकता है, लेकिन दिवाली के बाद आने की थोड़ी सी संभावनाएं कम है। मैं मान के चल रहा हूं कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर, अक्टूबर नवंबर जो है यह मानकर चलिएगा कि सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट इस यूपी लेखपाल का आपके समक्ष होगा, ठीक है। सिर्फ एक औपचारिक मात्र का रिजल्ट आपके समक्ष आएगा, सीट तो पहले चली गई है, ठीक है, सीट तो पहले ये दे दिए हैं, क्योंकि जब 15,000 पहले में आ गए हैं तो सीट तो इनकी चली गई है। अब इनको थोड़ा सा दिखावा भी तो करना है कि भैया हमने रिजल्ट आपका जारी किया है, तो इसलिए यह सिर्फ एक, अगर हम बात करें औपचारिक, ठीक है, औपचारिक रूप से आपका रिजल्ट ये घोषित करेंगे कि हमने आपका रिजल्ट घोषित किया है। तो फिलहाल के लिए यूपीएसआई जैसे मामला कोर्ट में चल रहा है उसी तरह से मैं निवेदन आपसे करूंगा कि जिस तरह यूपीएसआई के छात्र अपने आप को जो है एक जुटता महसूस कर देखा जाए तो एक इनकी भी जो है कम्युनिटी बनी हुई है। इस वजह से मैं आप सभी से कहना चाहूंगा यूपी लेखपाल में भी इसी तरह की एक जुटता आप सभी को दिखाना है, तभी जाकर आगे हमारा कुछ हो पाएगा। इसलिए मैं निवेदन आपसे फिर करूंगा कि कल 2 अक्टूबर को अपने आप से अभी से कंफर्ट कर लीजिए कि हमें कल 2 अक्टूबर को सिर्फ यही एक काम करना है कि कुछ समय कर दीजिए, ठीक है, सिर्फ हमें ट्विटर कैंपेन पर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है ताकि हमारा जो मुद्दा है वह आपके समक्ष जो है और अच्छी तरह से आ सके, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपके समक्ष आई होंगी। प्लीज मैं निवेदन आपसे करूंगा कि जितनी भी चीजें आप सभी के समक्ष प्रोवाइड की गई हैं आप सभी को अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को मैंने कभी शेयर करने की बात नहीं कही है, आज मैं बार बार शेयर करने की बात इसलिए कर रहा हूं कि यार जब अभ्यर्थी मेरे पास आते हैं कहते हैं कि भैया हमारा तो सब कुछ चला गया लेखपाल लेके, ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी अंतरात्मा बड़ी दुखित होती है। मैं फिर से कहूंगा कि आप कल ट्विटर कैंपेन का एक हिस्सा जरूर बनिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।